पंचोर नेता, मेरे नाम की कव्वाली गाना छोड़, काम की बात बता। जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया। एक ऐसी फिल्म जिसे सेंसर बोर्ड से शायद कभी पास ही नहीं होना चाहिए था, और हम कह सकते हैं कि फिल्म को बनाना ही नहीं चाहिए था। ऐसी फिल्म है कांति शाह की गुंडा। यह फिल्म हर लेवल पर इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अगर कुछ बुरी चीज़ें इमेजिन करेंगे, वो हर एक चीज़ इस फिल्म में है। और आप अगर इन सब बातों को इग्नोर करके फिल्म देखेंगे तो एक से बढ़कर एक वियर्ड लाइन आपको सुनने को मिलेगी। ये मत भूल लंबू कि चूहा जख्मी हाथी के दुम पर बैठकर पंजा तो चला सकता है, मगर हाथी जब उल्टा सांस लेता है ना तो चूहा अंदर घुस जाता है। फिल्म में हर कैरेक्टर राइमिंग में अपने डायलॉग बोलता है, फिर वो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में हो या ना हो, स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करे या ना करे, एक के बाद एक ऐसे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। छोड़ूंगा तेरे को रानी, मैंने विटामिन सेक्स खाया है, विटामिन सेक्स। ये फिल्म इतनी बुरी थी कि कांति शाह के बारे में विकिपीडिया पर लिखा है, अ बॉलीवुड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर ऑफ बी ग्रेड एंड सी ग्रेड हिंदी मूवीज। पुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब भी है उसका। फिल्म के डायलॉग्स इतने बुरे थे कि आप सोचने लगोगे कि स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखते वक्त किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा, टॉवल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार, और अगर मानना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरा छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा। फिल्म जब 1998 में रिलीज हुई तो फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस करने के बाद इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था। रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए, बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी, एक ना एक दिन आती है मर्द के नीचे बजाने के लिए सीटी। फिल्म के अनोखे डायलॉग्स, फिल्म के क्रिंजीनेस की वजह से फिल्म इतनी बुरी होते हुए भी इस फिल्म को गुंडा फैंस ने IMDB पर 8.7 की रेटिंग दी थी, जो कि बॉलीवुड के कई अच्छे फिल्मों से ज्यादा थी। मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी, तो तू मर गई, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। 2018 में जब फिल्म को री रिलीज किया गया था, तब दीपक शिर्के जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था, उन्होंने बताया कि फिल्म बिना स्क्रिप्ट के ही बनाई गई थी। मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। राइटर और कॉलमिस्ट चेतन भगत ने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में लिखा था कि आज का जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है उनका कंटेंट गुंडा जैसे फिल्मों से कई गुना अच्छा है। चेतन भगत ने इस फिल्म को 80 के दशक की फिल्म समझकर ऐसा लिखा था। गुंडा के फैंस ने उनके इस कॉलम का विरोध ब्लॉग्स और ट्विटर पर जमकर किया था, और चेतन भगत को अपनी कहानियां घटिया हिंदी फिल्मों के स्क्रिप्ट जैसे ना लिखने की सलाह दी थी। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। फिल्म के इस अगले डायलॉग में पोएटिक जीनियसनेस देखिए, जिससे कबीर और गालिब भी शर्मा जाए। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। शुरुआत में जब हमने कहा था कि फिल्म में के राइम्स का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम ये कहना चाहते थे, मैंने गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया, अभी दुश्मनों को फाड़ा कभी काटा, दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा। फिल्म का जो सबसे पॉपुलर डायलॉग है श्रीमान बुल्ला जी का है, जो कमांडो की तरह जाना चाहते हैं। उनके इस पर्सनल डिसीजन का हमसे क्या मतलब बनता है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको हमारी सब नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।